नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र 3 के लोजपा प्रत्याशी इंजीनियर नौशाद अहमद पिछले 17 साल की राजनीतिक अनुभव के साथ एक ही पार्टी में निरंतर स्थायी कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा के बदौलत चुनावी मैदान में विरोधी प्रत्याशियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनका मानना है कि इन्हें राजनीति चाचा से विरासत में मिली है, जो स्वतंत्रता सेनानी तथा 1952 से लेकर 1977 तक राजनीति सफर में विधायक से सांसद एवं केंद्र में मंत्री रहे स्वर्गीय फजलुर रहमान जिले के ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता राजकुमार ने नौशाद अहमद से कुछ खास बातचीत की है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। प्रत्याशी इंजीनियर नौशाद अहमद जी से कुछ बातें करेंगे चुनावी चर्चा में, आइए देखते हैं। राजनीति में कब आए और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपको? एक्चुअल मैं पिछले 17 सालों से राजनीतिक में एक्टिव हूँ और मेरा आने का उद्देश्य है समाज की सेवा करना। मुझे राजनीति की विरासत में मिली है, मेरे चाचा स्वर्गीय श्री फजलुर रहमान साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, दो टर्म तक MLC रहे, एक बार सिक्टा मैनाटा से विधायक रहे और एक बार बेतिया लोकसभा से MP होकर भारत सरकार में मंत्री बने, तो ये तो मुझे विरासत में मिली। जी सर, बिहार में आप NDA के साथी नहीं रहे तो अलग होकर के चुनाव जीतने की तैयारी क्या है आपकी? ये तो NDA के साथ नहीं रहे, लोजपा 20 साल पुरानी पार्टी है। लोजपा के संस्थापक मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी का 52 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, जो दलितों मजलूमों अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते रहे। मैं उस पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने पिछले 17 सालों तक इस चंपारण के धरती पर इंसानियत की राजनीति की है, इन्हीं सब मुद्दाओं पर ये दावे के साथ कह सकता हूँ तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चुनाव जीतूंगा। ठीक है सर, आपका या आपके पार्टी का मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे और पार्टी का मुद्दा मुख्य रूप से मुद्दा ये है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, उसके पहले 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था, लोग राष्ट्रीय जनता दल से काफी परेशान थे और उन लोगों ने बदलाव को देखते हुए श्री नीतीश कुमार जी को वोट दिया और नीतीश कुमार की सरकार बनी। लेकिन जिस उम्मीद जिस खुशी के साथ लोगों ने नीतीश कुमार को बहुमत दिलाया, वो हम उससे काफी दूर हैं। आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों के यहाँ रोजगार नहीं है। आपका या आपके पार्टी का मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे और पार्टी का मुद्दा मुख्य रूप से मुद्दा ये है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, उसके पहले 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था, लोग राष्ट्रीय जनता दल से काफी परेशान थे और उन लोगों ने बदलाव को देखते हुए श्री नीतीश कुमार जी को वोट दिया और नीतीश कुमार की सरकार बनी। लेकिन जिस उम्मीद जिस खुशी के साथ लोगों ने नीतीश कुमार को बहुमत दिलाया, वो हम उससे काफी दूर हैं। आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों के यहाँ रोजगार नहीं है, व्यवसाय लोगों का ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, गली नली में लूट मची हुई है, हर घर नल जल में लूट मची हुई है, ब्लॉक में घुसखोरी है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिसमें बगैर सुविधा शुल्क का कोई काम होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर अंकुश लगे और इस पे हम मजबूती से इसकी लड़ाई लड़े और बिहार की त्रस्त जनता को इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाए।
सर आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके हिसाब से कौन से प्रत्याशी से आपकी टक्कर? इनफैक्ट मेरी तो जीत जिस दिन हमने नॉमिनेशन कर दिया उसी दिन हो गई। आज जन सैलाब लोगों में खुशी है, उमंग है, मेरी किसी भी प्रत्याशी से कोई टक्कर नहीं है। ये सब लोग हमसे काफी पीछे हैं, काफी दूर हैं। अब उनका दिन लग गया, अब वे गए, उनका एज भी क्रॉस कर चुका। अब युवा नरकटियागंज की जनता युवा शक्ति को अपनी शक्ति देना चाहती है और युवा को ही से ही इस नरकटियागंज का विकास हो सकता है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल और हम पूछ लेते हैं, जीतने के बाद कौन से महत्वपूर्ण काम सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखिए चंपारण मुख्य रूप से किसानों की धरती है, गन्ना मुख्य रूप से यहाँ की खेती है। यहाँ किसानों के साथ जो मिल की रवैया होती है, मिल के सिस्टम के वजह से जो किसान त्रस्त है, मैं चाहूँगा कि उस किसान की लड़ाई लड़ूं और त्रस्त किसानों को मुक्ति दिलाऊं। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दी और हम चैनल से बात करने की मौका मिली, आपकी मैं शुक्रिया।